प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम की महिमा होने पाए। सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम से मैं विशेष वंदन करता हूँ। निर्गमन की किताब 33वें अध्याय के 17वें और 18वें वाक्य को हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरी कृपा की दृष्टि तुझ पर है। तब मूसा ने कहा, प्रभु मुझे अपना तेज दिखा। कृपा द्वारा दिखने वाले प्रभु के तेज, इस विषय पर एक साथ मनन करने के लिए प्रभु हमारी मदद करने पाए। मूसा इजरायली छावनी से दूर एक तंबू खड़ा करवाता है और उसे मिलाप वाला तंबू कह के नाम देता है। प्रभु से कृपा के लिए अपेक्षा करने के कारण प्रभु द्वारा जो उत्तर मिला उसे 17वें वाक्य में हमने पढ़ा। प्रार्थना के जवाब के रूप में हम यहाँ तीन बातों को प्रभु को कहते हुए सुन सकते हैं। पहला, हे मूसा, जैसी तूने अपेक्षा की है मैं वैसा ही करूँगा। इजरायली लोगों का विशेष होने के लिए प्रभु उनके साथ चला और उन पे कृपा करता रहा। दूसरा, प्रभु का जवाब इस तरह समझा जा सकता है, हे मूसा, मुझे तुझसे कृपा हो गई है। तीसरी बात जो प्रभु यहाँ कहते हैं, मैं तुझे करीब से जानता हूँ। एक आत्मिक बात आज सुबह मैं आप सभी के साथ बांटना चाहूँगा। तुम्हारे आंसुओं को, सालों से बह रहे आंसुओं को प्रभु परमेश्वर आज सुबह ये कहता है, हे पुत्र, यहोवा यानी कि मैं तुम्हें जानता हूँ। हन्ना के समान प्रार्थना में अपने हृदय को मेरे सामने ज़रा खोलो। सच में किसी से भी ऊपर हमें करीब से जानने वाला एक प्रभु है जिसकी सेवा हम करते हैं। हमने जो वाक्य अभी अभी पढ़ा उसमें से मुझे सोच में डालने वाली एक विशेष बात है। मूसा की प्रार्थना पर यहोवा परमेश्वर जब 17वें वाक्य में उत्तर देते हैं तो यहाँ पर 18वें वाक्य में मूसा एक और अपेक्षा प्रभु से करता है, तेरा तेज मुझे दिखा दे। उस समय से पहले मूसा ने ऐसी कोई अपेक्षा नहीं की थी, लेकिन अब वो इस बात को भी मांगता है, प्रभु मुझसे और तेरे लोगों से कृपा कीजिएगा, हमें अकेले मत छोड़िएगा। इन सब प्रार्थनाओं का प्रभु ने जब जवाब दिया तो मूसा यहोवा से उससे भी बढ़कर एक प्रार्थना करता है, हे प्रभु तेरा तेज हमें दिखा दे। क्यों यहाँ पे प्रभु के तेज के लिए मूसा प्रभु से प्रार्थना करता है? वो सीनाई पर्वत के ऊपर प्रभु के द्वारा बताई गई आज्ञाओं को जब लिखता है तो इजरायली लोग अपने लिए एक सोने का बछड़ा बना के उसकी आराधना करते हैं, जो कि प्रभु की नज़रों में गलत था। वो प्रभु को जानते तो थे, लेकिन उनको प्रभु के तेज के बारे में नहीं पता था। ये बात मूसा को यहाँ समझ आ गई होगी। अंत में वो शैतान से पराजित होकर मूसा से मिलने में देर होने के कारण प्रभु द्वारा बताई गई आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। इजरायली लोगों के जीवन से सीनाई पर्वत के नीचे इस हार के अनुभव को समझते हुए हमारे लिए भी सीख के तौर पर कुछ आवश्यक पाठ हैं। कृपा के द्वारा प्रभु के तेज को अनुभव करने वाले हम प्रभु की दृष्टि में बिगड़े हुए होने के बजाय अगर भय रखने वाले बनना है तो प्रभु के तेज को हमें निरंतर अनुभव करने वाला बनना चाहिए। प्रभु के तेज को अनुभव करने के द्वारा हम अन्याय के रास्ते को छोड़ के सही रास्ते पर यात्रा करने वाले बन जाएंगे। प्रभु के महत्व को अनुभव करने के द्वारा दुष्ट की नीतियों से अपना हृदय परिवर्तन कर एक शुद्ध हृदय को पाने वाले लोगों में हम परिवर्तित हो जाएंगे। हम अपनी चिंताओं में, सोच में, देखने में और भावों में व्यर्थ कार्य करने वाले ना बन के हृदय के विचारों के द्वारा, मुंह से निकलने वाले वाक्यों के द्वारा प्रभु को खुश करने के काबिल बन जाएंगे। प्रभु के क्रोध को अपने ऊपर ना लेके प्रभु के अनुग्रह को पाने वाले बन जाएंगे। इजराइल के लोग निरंतर रूप से प्रभु के अद्भुत कार्यों और चिन्हों को ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव करने के बावजूद प्रभु के तेज को अनुभव ना कर पाने के द्वारा उस महान प्रभु के तेज को एक निर्जीव जानवर के रूप समान समझ बैठे और ये उनके जीवन में हार का कारण बना। यहाँ वचन हमें सिखाता है कि
मूसा की विशेष अपेक्षा का प्रभु ने सम्मान किया। प्रभु ने अपने हाथों से मूसा को अपने तेज को एक पहाड़ पे आग के समान उतरते दिखाया। इस अनुग्रहित दिन में हम लोग प्रभु से प्रार्थना करने पाए, कृपा के द्वारा वो तेज ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव करने के लिए प्रभु हमारी मदद करने पाए। प्रभु का अनुग्रह आप सभी पे रहे। आमीन।